Good morning students, today we will study the lesson number 2, the Kabuliwala. First I will read out the text. Today we will study only 3 passages, first 3 passages. I will read out the text. Then I will give you the meaning, then I will explain in Hindi. So the text is like this. Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. Her conversation with her father was always very lively. Second passage. One day, Minnie rushed into her father's study room. She put her arm around him and said, "What do you think, father?" Bhola says, "There is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk." And that is why it rains. Before her father could reply, she ran to the window. "Ay, Kabuliwala, ay, Kabuliwala." The third passage. Minnie called out to the Kabuliwala, but when he looked her, she was in terror and ran to her father. She had heard that Kabuliwala caught children, put them in their sacks and took them away. The Kabuliwala came to Minnie's house and her father made sure that Minnie came out and met him. Soon, Minnie lost her fear of him and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5 years old. Today we'll study this much only. First of all, I will read out the hard words and give the meaning. In the first passage, chatterbox. Chatterbox means batuni, chatting ka box, arthat jo bahut baatein karta, batuni. Chatting, बातें करना, worried, चिंतित, सोचना, non-stop, लगातार, निरंतर, silence, चुपचाप शांत करना, conversation, वार्तालाप, lively, माने जीवंत, मनोरंजक. Second passage, burst into. Burst into means प्रवेश करना, घुस जाना, अचानक कमरे में घुसना. Trunk, trunk means सूंड. Blows,
ब्लोज माने फैलाना, बहाना, फेंकना, बहना। टेरर, टेरर मीन्स भय। सैक्स, थैले, झोला जिसे कहते हैं, बड़े बड़े झोले, थैले। बियर्डेड, बिग बियर्डेड माने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। टेंडरली माने प्यार से। सो ये रही आपकी कठिन शब्दों का अर्थ, हार्ड वर्ड्स मीनिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन द ऑल द थ्री पैसेजेस। आई विल ट्रांसलेट इट। इसका अनुवाद मैं बताता हूँ। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स। मिनी जो एक 5 साल की लड़की थी, वो बहुत बातूनी थी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह बिना बातें किए हुए रह नहीं सकती थी, कभी भी चुप नहीं रहती थी, चुप नहीं बैठती थी। हर मदर वॉज ऑफ एन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी मम्मी, उसकी माँ उसके इस स्वभाव से अक्सर परेशान रहती थी और उसे चुप रहने के लिए कहती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली। उसके पिताजी उससे हमेशा मनोरंजक विषयों पर बातचीत करते थे, अर्थात जब ये दोनों वार्तालाप करते थे तो बड़े प्रसन्नता के साथ। सेकेंड पैसेज। वन डे मिनी बस्ट इन टू हर फादर स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पापा के अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में आई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, अपनी बाहों को पिता के गले में डाल करके बड़े प्यार से बोली, व्हाट डू यू थिंक फादर। पापा आप क्या सोचते हैं, या पापा क्या आप जानते हैं। भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला कहता है कि बादल में हाथी होता है, हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स रंग, जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, बहाता है, एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और उसी से वर्षा होती है। अर्थात बारिश की वजह हाथी होता है जो अपनी सूंड में पानी भरकर बरसाता है, भोला यह कहता है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो। इससे पहले कि उसके पापा उसको ये जवाब देते, उसके प्रश्न का उत्तर देते, पापा के जवाब देने से पहले ही मिनी भागकर खिड़की पर पहुंच जाती, पहुंच गई और ऐ काबली वाला, ऐ काबली वाला कह करके पुकारने लगी, कहने लगी, आवाज लगाने लगी। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर सी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। जब काबलीवाले ने आकर मिनी की तरफ देखा तो मिनी डर कर अपने पापा के पास भाग गई। सी हैड हर्ड दैट काबलीवाला कॉट चिल्ड्रन। उसने सुन रखा था कि काबलीवाला
She had heard that Kabliwala caught children, put them in their sacks and took them away. उसने सुन रखा था कि काबलीवाला बच्चों को पकड़कर अपने थैली में डाल लेता था और अपने साथ लेके चला जाता था. द काबलीवाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनीज केम आउट एंड मेट हिम. अब काबलीवाला उसके घर आता और उसके पिता ने सुनिश्चित किया कि वह उससे मिले. सून मिनी लास्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वॉज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू लिटिल 5 years old. पर जल्दी ही मिनी का डर समाप्त हो गया और वह काबुलीवाला से अच्छे से बातें करने लगी. मिनी और लंबी दाढ़े वाले पठान को बात करते हुए देखकर मिनी के पापा को बहुत अच्छा लगा. तो ये 3 पैसेज को हमने आपको समझाया, बताया, इसके कठिन शब्दों को भी बताया. अब आप इसको पूरी तरह से पढ़ें, साथ साथ में समझें. इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे और प्रश्न भी इस पर बना करके प्रश्नों के माध्यम से क्वेश्चन आंसर मेथड से हम इसको समझेंगे. थैंक यू.